नमस्कार किसान भाइयों, महाराष्ट्र भर के FPOs के लिए कॉटनगुरु बहुत समय से मेहनत कर रहा है। 2012 में जब FPO नाम प्रचलित भी नहीं था, तब भी अकोला में हमने एक किसानों की बैठक बुलाई थी और FPO के बारे में बताया था। 2007 में हमने वो आइडिया क्लस्टर की ली थी, जब सरकार ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रकल्प शुरू किया था। तो हमारा एसोसिएशन आज महाराष्ट्र के करीब करीब सभी FPOs के साथ में है। हम उनको कंसल्टिंग करते हैं बुआई से लेकर विपणन तक, मार्केटिंग तक। अब मुद्दा ये आता है कि FPO के पास जो अभी चैलेंजेस हैं कि भी काम करने के लिए, बिजनेस करने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, सरकार की जितनी सारी स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, उनका लाभ लेने के लिए उनके पास इतने पढ़े लिखे लोगों का स्टाफ नहीं है, ना ही इतनी हैसियत है कि वो महंगे भाव से स्टाफ को रख सके। तो इसी हेतु से कि गवर्नमेंट की जितनी सारी स्कीम्स हैं उसको अच्छी तरह हम इम्प्लीमेंट कर सकें और आगे ये मार्केट क्या दिखा रहा है, खास करके कपास का, रुई का जो बाज़ार है वो क्या क्या दर्शा रहा है, ये हम नियमित FPO को मार्गदर्शन देते हैं। 2019 में सितंबर महीने में औरंगाबाद में पोखरा, जो एक महाराष्ट्र की संस्था है खास करके पानी बचाने के लिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए, उन्होंने एक बहुत बड़ी FPO मीट रखी थी, जिसमें हमने आपके खरीदार को क्या चाहिए, ये किस तरह आपको पहचानना है और ख़रीदार को किस तरह अप्रोच करना है, इस बात पे डिस्कशन किया था। फिर 2019 7 अक्टूबर को हमने जो फार्माथॉन रखा था, विश्व का सबसे पहले किसानों का मैराथन, जिसमें करीबन 400 किसान दौड़े थे, उस वक्त हमने कुछ बायर्स से, खरीदारों से इंट्रोडक्शन कराया था FPOs का। महाराष्ट्र भर से काफ़ी FPOs उसमें आए थे और उन खरीदारों ने, जो भारत के सबसे बड़े खरीदार में से हैं, उन्होंने स्टेज पर आके अनाउंस किया था कि वो 100 रुपया प्रति क्विंटल कॉटन गुरु के रजिस्टर्ड किसानों को इंसेंटिव देंगे। फिर कॉटन कॉन्क्लेव हुआ था 2018 में, वहाँ पे हमने कपास का ऑक्शन कराया था, तो बाज़ार के करीबन 400 रुपया प्रति क्विंटल ऊपर भाव किसान को मिले थे उस कॉटन कॉन्क्लेव के ऑक्शन में। उसके बाद 2019 में नवंबर महीने में, 15 नवंबर को हमने एक FPO मीट बुलाई थी औरंगाबाद में, वहाँ पे भी काफ़ी FPOs आए थे। वहाँ हमने उनको क्लियर डायरेक्शन दे दिया कि इस साल अभी सीज़न के पहले 3 महीने आपको कपास सरकार को ही बेचना होगा। गवर्नमेंट का जो न्यूनतम सपोर्ट प्राइस है या जो MSP है, वो आज बाज़ार में सबसे ऊंचा है, ये हमने बताया था। CCI के अधिकारियों से उनकी फ़ोन पर बात भी कराई थी और किस तरह का कपास CCI को चलता है और रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसीजर है, ये सब समझाया था। उसके बाद ये कहते हुए मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि करीबन 1.5 से 2 महीने के अंदर हमारे इन सब FPOs ने करीबन 225,000 क्विंटल कपास CCI में खाली किया और कोई भी इशू किसी को नहीं हुआ, न CCI को हुआ, न किसानों को हुआ, क्योंकि पहले ही उनके साथ में वो ट्रेनिंग सेशन हमारा हो गया था। तो अब हम फरवरी 2020 में हैं, अब ट्रेड वॉर भी करीब करीब ख़त्म होने में है चीन और अमेरिका के बीच में, पर चीन में जो कोरोना वायरस आया है उसकी वजह से हमारे बिजनेस को क्या असर पड़ सकता है, कपास के बिजनेस को, रुई के बिजनेस को क्या असर पड़ सकता है, सरकार की नए बजट में आई हुई ऐसी कौन सी स्कीम्स हैं जिसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ किसानों को उठाना चाहिए, और किसानों के लिए क्या क्या और स्कीम्स सरकार के पास है या प्राइवेट प्लेयर्स के पास है, निजी कंपनियों के पास है, ये सब हम आपको बताएंगे इस FPO मीट में 22 फरवरी 2020 शनिवार मुंबई में। हम ये एक छोटी सी FPO मीट कर रहे हैं, इसमें काफ़ी FPO महाराष्ट्र भर से आएंगे, बाहर से भी आएंगे। आप सभी किसान भाइयों को विनंती है, हमारा खास ये आपको सजेशन है कि इस मीटिंग में आपके ऑफिस बैरर को, प्रतिनिधियों को जरूर भेजें। हम यहाँ पे सीड कंपनी के साथ में, BRN कंपनी के साथ में कैसे टाइप कर सकते हैं, आप दवाई की कंपनी को साथ में कैसे टाइप कर सकते हैं, सस्ते भाव में वो ले सकते हैं, टेक्नोलॉजी नई क्या आई है, ये हम आपको बताएंगे। और आगे के 3 महीने में कपास रुई बाज़ार क्या रहने वाली है, जब आपका सोइंग पीरियड आएगा तब कपास का बाज़ार क्या रहना दिख रहा है, ये भी हम आपको बताएंगे। तो इस मीटिंग को किसी भी किसान के एसोसिएशन के ऑफिस बैरर को मिस नहीं करना है, ये हमारा खास सूचन है।
कॉटनगुरु की तरफ से महाराष्ट्र भर के और भारत भर के FPOs को इसके लिए खास इनविटेशन है। ये एक बहुत ही स्पेशल मीटिंग है जिसमें हम कोई और पब्लिसिटी नहीं करने वाले हैं, सिर्फ किसानों के और FPO के हित की बात करने वाले हैं। तो 22 फरवरी 2020 शनिवार सुबह 10 से 1 हम मिलते हैं कॉटनगुरु FPO मीट मुंबई में। तब तक आप सबको कॉटनगुरु की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।